पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान, ट्रोलर्स से बजाई बैंड। है ये पूरे देश में होना चाहिए, नहीं तो जो वास्तव में अपने देश की जनता है वो विकास से दूर होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, योगी हुकूमत एक पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम से एक बिल लाने जा रही है, जिसका मकसद वो बता रहे हैं देश का विकास, डेवलपमेंट। बिल में कुछ ऐसी बातें भी डाली गई है जिस पर पूरे देश में हल्ला है। योगी हुकूमत जनसंख्या बिल को लेकर दावा कर रही है कि दो या दो से ज्यादा बच्चों वालों के लिए किसी तरह कोई सरकारी सुविधा नहीं होगी और तमाम सरकारी सुविधा जैसे कि सरकारी नौकरी, राशन पानी वगैरह से महरूम रह जाएगा। हमने अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक इसके नुकसानात हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। योगी हुकूमत इस बिल को 19 जुलाई को सबके सामने लाएगी, जिससे सभी की राय पता लग सके कि वही भाजपा समर्थक नेता इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही विपक्ष इस बिल को गैर जरूरी बिल बता रहा है। इसी बीच अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर देश भर में बास्केटबॉल खेलने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल का सपोर्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। पत्रकार के जनसंख्या कानून के बारे में पूछने पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बेहद जरूरी, केवल राजनीति के लिए कुछ विशेष वर्गों को पाला जा रहा है। लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं जो जहाँ के हैं ही नहीं। साध्वी प्रज्ञा के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि वो कहना चाह रही है कि इस देश में कुछ खास समुदाय के लोगों को पाला जा रहा है। प्रज्ञा अपने बयान को जारी रखते हुए कहती है कि घुसपैठिए काफी आ गए हैं देश में। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की खबर पूरे देश में सुनने को मिल रही है, इसलिए भी ये बिल बहुत जरूरी है। फायदा ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे पुश रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग। वहीं भाजपा सांसद के इस बयान के बाद लोगों ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया और जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आइए बताते हैं लोगों का क्या कहना है। शादाब खान नाम के यूजर लिखते हैं, ये हाल इनका, खुद से एक ना हो सका और दूसरों को नसीहत देती है। कपिल कुमार नाम के यूजर ने लिखा, कोर्ट में जाते वक्त व्हीलचेयर पर, कोर्ट के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में, ये फिर शादी में डांस करते हुए। अब्दुल अजीम नाम के यूजर ने लिखा, इसको भी तो पाला जा रहा है, एक आतंकी को। ये देश पाल सकता है तो हर कोई अपनी मर्जी से पल सकता है इस देश में। तो वहीं मिस्टर नोबडी नाम के यूजर ने लिखा, अब राजनीति के लिए इसको पाल सकते हैं तो किसी को भी पाल सकते हैं। तो वहीं हुकुम शेषा नाम के यूजर ने लिखा, कल तक तो साध्वी जी धर्म की रक्षा के लिए भक्तों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रही थी। एनके मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे बोल देती है कि पाला जा रहा, तुम्हारे जैसे आतंक के आरोपी को नहीं पाला जा रहा, यही कुछ दिन पहले बोल रही थी कि 10 बच्चे पैदा करो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।